हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अब्बास शेख है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड ट्यूटोरियल, मतलब थर्ड वीडियो है जावा ट्यूटोरियल का। और आज का टॉपिक क्या है कि जावा टाइप कास्टिंग है गाइस। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर देना किसी वैल्यू को, समझे। तो इस चीज़ को कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग की बेसिकली क्या होता है कि मतलब दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। एक वाइडनिंग कास्टिंग होती है, एक नैरोइंग कास्टिंग होती है। जो कि मतलब वाइडनिंग जो है ऑटोमेटिकली है, नैरोइंग जो है मैन्युअली होती है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैंने फोल्डर मैंने बना दिया, मतलब फाइल बना दिया है। ये फाइल मैंने बना के रखा है टाइप कास्टिंग डॉट जावा। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहले मेन मेथड बना देता हूँ, ठीक है। तो मेन मेथड के बाद वैल्यू भी असाइन करते हैं डायरेक्टली। क्या होता है कि ना, डायरेक्ट हम पहले मैं इंट को बताता हूँ, इंट को टाइप कास्ट करके बताता हूँ। इंट एक्स इक्वल्स टू 12 मैंने डाला, इसको हम डबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डबल का मैंने बी वेरिएबल का नाम डाला, और यहाँ पर वेरिएबल डबल का बी इक्वल्स टू मैंने एक्स डाल दिया, इंट का एक्स। क्या बात है, चल ही नहीं रहा गाइस, सिस आउट चल ही नहीं रहा अपना, देख रहे हो आप। कभी कभी ऑटोमेटिक सजेशन भी बताता नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। हाँ, अब आ गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बी डालता हूँ, ठीक है। इंट एक्स इक्वल्स टू हमने 12 डाला, इंटीजर डाला हमने, एक्स वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू है 12। तो डबल हमने डाला, तो हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। पहले वाइडनिंग कर रहे हैं, तो हम इंट टू डबल कर रहे हैं, यहाँ पर इंट से हम डबल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डबल डाले हमने, फिर वेरिएबल का नाम डाले डबल का बी, तो मतलब बी डाले हम, तो इक्वल्स टू एक्स डाले। तो ऐसा, तो डायरेक्ट रन कोड करते हैं हम। आपको पता होगा रन कोड करने पर पहले ये जावा की फाइल कंपाइल होकर डॉट क्लास जावा बनती है, फिर उसके बाद जो भी है ये होती है, मतलब JVM के थ्रू फिर कन्वर्ट हो गया, फिर आउटपुट आता है अपने को, ठीक है। तो 12 का देखो आप, डबल क्या होता है, डेसिमल होता है, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, डेटा टाइप वाली वीडियो में। तो 12 का हो गया 12.0, ठीक है। तो ये होती है नैरो वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग ये लिखते सही रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे हम नैरो टाइप कास्टिंग देखते हैं। नैरो कास्टिंग यहाँ पर हम डबल को कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ना, वाइड जो होता है एक छोटे से बड़ा होता है वाइड, और नैरो क्या होता है बड़े से छोटा। सिंपल वे में बताओ तो ये होती है इन दोनों कास्टिंग की मीनिंग, ठीक है। तो डबल का मैं यहाँ पर डी डाल देता हूँ, यहाँ पर वैसे मैंने डबल का बी डाला, तो आप समझ ही गए होंगे क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डबल से हम इंट पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट का मैं आई डाल देता हूँ, और आई इक्वल्स टू डी डाल दिया। डायरेक्ट हम इसको बता दिए कि मतलब ये ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पर आपको एरर दिख रहा होगा। एरर, ये एरर आपको क्यों आ रहा है ये आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, डबल टू इंट, डायरेक्ट टाइप कास्टिंग ऐसी नहीं हो सकती है। क्योंकि वाइडनिंग में और नैरो में क्या डिफरेंट है कि वाइडनिंग जो होती है ऑटोमेटिक कास्टिंग होती है। हम ये चीज़ ऐसा डाले वैल्यू, और फिर ये ऐसा इक्वल्स टू हम बता दिए, तो ये कास्ट हो गया, इंट से डबल बन गया वो। लेकिन नैरो क्या होता है कि ना, मतलब नैरो जो होता है कि मैन्युअली होती है, हम उसको बताना पड़ता है कि हाँ ये वैल्यू जो है हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट पे। हम इसको डायरेक्ट, ये तो हमने इंट डाला, ये वेरिएबल का टाइप है इंट, ऐसा तो उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये तो इसका हो गया ना। तो डी जो आ रहा है वो क्या है वो, ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा जावा को, तो हमें यहाँ पर ना बताना पड़ता है मैन्युअली, इसलिए हम इसको मैन्युअली कहते हैं। ये देखो, उसको हमने इंट, ये इंट है भाई, ऐसा करके हमने बता दिए उसको, ठीक है। तो ये देखो, आपको यहाँ का एरर भी चला गया रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको आउटपुट निकालते हैं, ये वापस से सजेशन सजेशन चला गया है ना। VS कोड भी स्लो है थोड़ा, अपनी ज़रा लास्ट वीडियो में भी यही प्रॉब्लम दिखा रहा था, ठीक है।
तो अभी हम रन करते हैं इसको, और मैंने 12.36 डाला, तो हम रन करें तो देखो ये तो 12.0 तो ऊपर की इसका आ गया, इसका आउटपुट आ गया जो हमने इंट से डबल किया था, और यहाँ पर डबल से इंट किया तो इसका नीचे 12 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, तो आपको देख रहा भी होगा। अभी इस बार मैंने फंड साइज़ भी VS कोड का और थोड़ा बड़ा कर लिया। लास्ट टाइम मैंने 18 किया था, उससे पहले 14 था, फिर 18 किया, फिर अभी 20 कर दिया मैंने, थोड़ा और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप कास्टिंग। तो हम ख़त्म करते हैं टाइप कास्टिंग का टॉपिक यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों ने कल के वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने मेरे को ये बोले कि मतलब हमारा जो जे है जावा JD के जो है, हम VS कोड पे डिटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ लोगों ने इंटेली जे पे ट्राई किया तो वहाँ पर भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको कोई, आपने सिर्फ ये देखो आपका इश्यू कहाँ आ रहा होगा कि ना, मतलब आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आपका जो JVM का JDK का पैथ जो है आपने सेट नहीं किया रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली आपका जो सी फाइल जो होगा, मतलब मेन फोल्डर जो होता है अपने PC का, जिसमें सारी चीज़ें ये होती है स्टोर होती है, इंटरनल बोलते हैं उसको नॉर्मली अगर कहूँ तो फिर उसमें आप जाइएगा, वहाँ से आप प्रोग्रामिंग फाइल्स में जाइएगा, प्रोग्रामिंग फाइल्स के बाद जावा में जाइएगा, जावा के बाद JDK में बिन फाइल दिखेगा, उसको ओपन कर लो। ओपन करके यहाँ पर ऊपर का जो है, यहाँ से क्लिक करके तो ऐसा आ जाएगा आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो ऐसा आ जाएगा, तो उसको कॉपी करके आपको डायरेक्ट यहाँ से सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सर्च करने पर आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में, नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यूज़र पे भी अगर पैथ में क्लिक करके आप डालना चाहोगे तो डाल लो, बट कंपलसरी है सिस्टम वेरिएबल के पैथ में, सिस्टम वेरिएबल के पैथ में ऐसा क्लिक करोगे तो आप ऐसा क्लिक करोगे तो एडिट आएगा, एडिट पे जाके तो यहाँ पर न्यू क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना। ठीक है, मैंने ऊपर ऑलरेडी पेस्ट किया है तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने पहले भी पेस्ट किया था बहुत, जब मैं जावा ये करता हूँ हमेशा मैं पेस्ट करता हूँ, और इस बार मैंने 19 डाउनलोड किया था लास्ट मंथ में, JDK 19, तो मैंने पेस्ट किया था। ठीक है, तो मैं इसको ओके नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ये कर देता हूँ, तो आप पेस्ट कर दीजिएगा यूज़र वेरिएबल्स में भी, सिस्टम वेरिएबल्स में भी, और फिर ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओके नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया है, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। फिर आपका VS कोड पे इंटेलिजे कहीं पर भी हो, आप जो आपके PC का JDK डिटेक्ट करेगा, फिर जावा रन होगा, जावा की फाइल आप जावा की कोडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, जावा का प्लेलिस्ट 2 वीडियो हो गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।